हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। आज हम बनाएंगे एक इन्फिनिटी टॉय। कैसे बनाते हैं जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पे लेते हैं एक A4 साइज पेपर। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पेपर लिया हूँ, थोड़ा थिक पेपर है। पहले हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे। हम ये एज अच्छे से बना लेंगे ताकि बहुत फायदा होगा। फिर हम एक कोने को पकड़ के ऐसे मोड़ लेंगे। अब बैक साइड को भी ऐसे ही सेम मोड़ लेंगे। अभी जो नीचे का हिस्सा बचता है उसको हमको काट लेना है। अभी हम इस पेपर को पूरा खोल लेंगे। अभी जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही पेपर को मोड़ लेना है। आधा एकदम सटीक से मोड़ लीजिए, तो कोने को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि वो एज अच्छे से निकल के आए। उसको फिर खोल लेना है और बीच में जो लाइन है उतना तक फिर से आधा मोड़ लेना है। हमको दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ लेना है ठीक से। अभी इसको बराबर से पूरा मोड़ के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसको बनाने में। अभी पेपर को आधा खोल लेंगे और बीच में से उसको मोड़ना है जैसे दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमको जो से 20 तक जो लाइन पड़ता है ना उतना तक उस एक कॉर्नर से पकड़ के मोड़ना है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से मोड़िएगा और अच्छे से ये जाना चाहिए ताकि हमको आगे बहुत अच्छे से काम आए। अब दूसरे साइड को भी वैसे ही बराबर फोल्ड कर लेंगे। अब इसको और आधा शेप देना है। देखिए कैसे देते हैं। पहले छोटा साइड को मोड़ लेंगे। फिर से उसको पकड़ के जो बीच में एक लाइन बनाया था ना सेकेंड वाला में, वहाँ से तक टच करके जैसे दिखाया जा रहा है वैसे मोड़ेंगे ताकि सारा इवनली एजेस आ जाए। दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस कर लेंगे। पूरा का पूरा देखिएगा आठ ऐसे टुकड़ा बन जाएगा। क्लियरली विजिबल होना चाहिए सारा लाइन्स। इसको खोल के देखिए, पूरा देखिए सारा आठ टुकड़ा पता चल रहा है, पूरा गिन सकते हैं। अभी हमको नेक्स्ट प्रोसेस देखना है। हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं ताकि पता चले कि कहाँ से कहाँ तक जॉइंट करना है। देखिए डॉट से एक छोड़ के दूसरा डॉट, फिर वहाँ के ऊपर डॉट से वहाँ से दो छोड़ के फिर उससे डॉट, वहाँ पे एक एक लगा देंगे ताकि हमको पता चले कहाँ से कहाँ तक करना है। वहाँ से काउंट करेंगे एक दो, वहाँ से स्टार्ट करेंगे या नीचे से भी दो छोड़ के ये करना है। ऐसे करके हमको पूरा एक बार बना लेंगे। इसको एक बार ध्यान से देख के समझ लीजिएगा। अभी हमारा रूलर यहाँ पे काम आएगा। जैसे डॉट लगाए थे ना, एक डॉट से सेकेंड डॉट तक इसे पकड़ लेना है और हमको अच्छे से उसको मोड़ना होगा। अच्छे से मोड़ना है ताकि वो एजेस अच्छे से आना चाहिए।
बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो लाइन्स अच्छे से बने और हमको आगे बनाने में तो बहुत आसानी हो। हम अभी जो डॉट्स दिख रहे हैं उसको मिलाते जाना है और उसको मोड़ते जाना है, और अच्छे से प्रेस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। हमें एंड तक इस तरह से अच्छे से मोड़ते जाना है, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे देखिए हम अच्छे से मोड़े हैं इसलिए पूरा रोल बन जाता है, एक दूसरे से आराम से देखिए एक रोल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है बीच में। अभी हमको दूसरे साइड से भी ऐसे ही सेम तरीके से मोड़ते जाना है। रोलर को अच्छे से पकड़ लीजिएगा और एजेस जो है ना वो अच्छे से बनाते जाएगा। तो दो दो एक ही बात एक दिख रहे हैं ना, आप आसानी से दिखते रहेगा कहाँ से कहाँ तक स्केल लगाना है, देखते जाके आपको स्केल लगा के मोड़ते जाना है। यहाँ पे आप एक लाइन्स भी खींच सकते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा आसानी हो। दूसरी साइड से भी एंड तक पूरा अच्छे से मोड़ लेंगे, प्रेस अच्छे से करना है बिल्कुल। हम ये जो मोड़ रहे हैं ना, ये सबसे मेन काम है ये इस इन्फिनिटी टॉय बनाने का, और 90% काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है हम अच्छे से मोड़ लेंगे तो। देखिए यहाँ पे कैसे पैटर्न बन गया सारा एक ही जैसा। अभी हमको दोनों साइड से आधा आधा पकड़ना है, देखिए केबिन ट्रायंगल बनाना है। हमको उस पेपर को दूसरी साइड के अंदर डाल देना है। हमारा ये एजेस बना हुआ है प्रॉपरली शेप का, तो उसमें ऑटोमेटिक जाके फिट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से उसको डाल देना है अंदर ताकि अच्छे से फिट हो जाए। ये पेपर प्रॉपरली फिट हो जाना चाहिए उसके अंदर। यहाँ पे देखिए एजेस दिख रहे हैं, जैसे मोड़ रहे हैं ना बीच बीच से, वैसे मोड़ते जाना है तीनों साइड से। हम इसको पीछे साइड से भी ऐसे ही मोड़ देना है तो अपने से मुड़ जाएगा। हम एजेस अच्छे से बनाए ना, उसके लिए आसानी से मुड़ जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये हमको जो कोना दिख रहा है ना उसको अंदर की तरफ मोड़ना है, ऐसे जैसे दिखाया जा रहा है तीनों कोने को ऐसे अच्छे से मोड़ देंगे। थोड़ा सा पकड़ के मोड़ लेंगे पीछे के साइड से भी, वैसे भी जो कोना निकलता है उसको मोड़ देंगे अंदर की तरफ। अभी देखिए हमारा ये इन्फिनिटी टॉय बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अच्छा लगेगा आपको। इसको जितने बार भी हम घुमाएंगे वैसे ही घूमता रहेगा, वैसे करंट सेप ही ले लेगा। अब घुमाते चाहिए, कभी एंड ही नहीं होगा, इसीलिए इसको इन्फिनिटी टॉय बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।